हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही टेस्टी स्नैक्स जिसको बच्चे और बड़े बहुत पसंद से खाएंगे। तो चलिए इसकी रेसिपी शेयर करते हैं। सबसे पहले मैंने साग ले लिया है, पालक की साग है, इसको साफ से धुल लिया है। अब इसको एक पतीले में डालेंगे। इसमें थोड़ा मटर डाल देंगे। इसमें पानी डालकर थोड़ा उबाल आने तक तो बॉयल कर लेंगे, क्योंकि पानी में जब गर्म पानी में डलाता है तो बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है साग का। चलिए, मैं बॉयल हो चुका है मटर और साग। अब इसको निकाल लेंगे मिक्सर जार में और इसमें हरी मिर्च डालेंगे। धनिया पत्ती और लहसुन पेस्ट डाल करके इसको पीस लेंगे मिक्सर में। धनिया पेस्ट तो तैयार हो गया है। अब एक पतीले में आटा ले लेंगे, गमले में, इसमें थोड़ा अजवाइन डाल देंगे, थोड़ा नमक डालेंगे, और तेल डालेंगे, और वो जो मैंने पेस्ट बनाया था उसके आटे को गून लेंगे अच्छे से। इन सभी को अच्छे से मिला करके आटा इसमें गून लेंगे, अच्छे से मिक्स करना है। एक बार आप लोग ऐसे ही ट्राई कीजिए, बहुत ही नया है ट्रिक। एक बार बना करके आप अपने घर पे देखिए, बहुत ही बच्चे पसंद से खाएंगे, बड़े भी खाएंगे, जिसको भी खिलाएंगे वो सब पूछेंगे कैसे बना है। अभी नहा गया है। अब एक प्याला लेंगे, उसमें थोड़ा गाजर है, बारीक कटा हुआ गाजर और बारीक कटी हुई प्याज, शिमला मिर्च, आप अपने मुताबिक आप भी और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। टोमेटो केचप डाल देंगे। मायोनीज डालेंगे, ये बिल्कुल एकदम मार्केट जैसा रेडी होगा, टेस्ट मार्केट जैसा रेडी होता है। नमक डालेंगे, काला नमक, चीज डाल देंगे, चीज तो बच्चे बहुत शौक से पसंद से खाते हैं, चीज डाल देंगे इसमें हम, छोटा छोटा वाला चीज है। अब इसमें थीम डालेंगे, थोड़ा ऑरिगानो है, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च से बहुत ही अच्छा टेस्टी कुछ भी स्नैक्स अच्छा बनता है। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। अब जो मैंने आटा गूंदा था, अब इसका लोइया बना करके बेल देंगे इसको, पतला सा, एकदम ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, इसको बेल लेंगे। अब इसको गिलास से कट कर लेंगे। इसमें भर लेंगे इसको चम्मच से, जो मैंने बनाया था मिक्सचर। थोड़ी से ऊपर से इसको ढक देंगे और एक मोटा सा जार लेंगे, बोतल आपके पास देखिए जो भी हो, मोटा ये किनारी पे मोटा होना चाहिए थोड़ा, तो ज़्यादा बारीक रहेगा तो कट जाएगा। ये देखिए मेरा मोटा है बोतल, तो इसको ऊपर से हल्का हाथ से दबाएंगे, ज़्यादा जोर से नहीं दबाना है, हल्के हाथ से इसको रखेंगे। अब इसको एक चाकू से कट कर लेंगे, चारों तरफ पूरी गोलाई में कट कर लेंगे इसको, ताकि अच्छा से इसका डिजाइन बनेगा, बहुत ही अच्छा डिजाइन बनेगा, फिट बनेगा। एक बार आप अपने घर पर ट्राई करके देखिए ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।
तेल सारा बनता है, हम इसको फ्राई कर लेंगे तेल डाल करके, तेल गर्म हो जाए इसको फ्राई कर लेंगे। डाल के फ्राई कर लेंगे। प्राइस आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। ये मेरा गरम हुआ गरम गैस एकदम रेडी हो गया है, बच्चे इसको बहुत पसंद से खाए हैं। थैंक यू, बाय। It's all over in this world soon.